हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहदुल हुसैन का फिर से आपका स्वागत करता हूं एडिप स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। होप करता हूं कोरोना के टाइम में तुम लोग अपना एवं अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों, 10 दिनों में हमारी बिट सेट की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सके, अभी जो हमारा स्कोर आ रहा है उसको मैक्सिमाइज कर सके। ये 10 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बिट सेट का अगर पैटर्न की बात की जाए तो पैटर्न जो होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है जेई मेन से और एडवांस से। कहीं ना कहीं बिट सेट का पैटर्न थोड़ा बहुत नीट से मिलता जुलता होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत नीट से मिलता जुलता होता है। यानी कि पेपर जो होते हैं वो लेवल वाइज बात की जाए तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, बिल्कुल बहुत मतलब यू मानो ईजी पेपर होता है। टाइम का सारा कुछ खेल होता है, एक मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ऑब्वियसली बात है, एक मिनट में अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए वो तुम्हें दे रहा है तो वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसका कैलकुलेशन बहुत टफ होगा, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें बहुत भयंकर कंसेप्ट लगेगा, कम से कम एक पेज में उसका आंसर आएगा। वो ऐसा ही सवाल देगा जो डायरेक्ट होगा, जो डायरेक्टली या तो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा या वो डायरेक्टली लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है या फिर डायरेक्टली वो ऐसा होगा थ्योरेटिकल पार्ट से उठा के दे दे या फिर सिंपली फॉर्मूला बेस्ड सवाल दे दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, पेपर के बारे में अपने को पता चल गया। सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात की जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री 40-40 80 क्वेश्चन होते हैं, मैथ में 45 क्वेश्चन होते हैं, 125 क्वेश्चन हो गए, और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग एक नया सेक्शन आता है यहाँ पर जो कि बाकी एग्जाम में नहीं देखा गया है। तो क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटजी, एक एक पॉइंट की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो पॉइंट है हमारा वो है PYQ स्कैनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी 10 दिनों में तुम अगर वापस से सब कुछ नया नया पढ़ने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए बेटर क्या है कि जो तुम्हें आता है, जो तुमने अच्छे से रिवाइज किया है उसके प्रीवियस ईयर को स्कैन करना है। स्कैन इन सेंस, देख लिया अच्छा इस चैप्टर में ये सवाल है, एक बार देख लिया, मतलब एक बार अपने को सवाल दिख जाने चाहिए। उससे कई बार क्या होता है कि जो सवाल होते हैं ना 10-15% सवाल प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, तो वो सवाल जब दोबारा हमारे आंखों के सामने आएंगे तो हमें दिख जाएगा अरे यार ये तो सवाल प्रीवियस ईयर वाला, इसका आंसर ये होगा। तो कई बार उस समय वो दिमाग स्ट्राइक कर लेता है, वो टाइम तुम्हारा सेव कर सकता है, इसीलिए PYQ स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इसका यूज आएगा, आगे बात करेंगे, डोंट वरी। दूसरा आता है NCERT बुक स्कैनिंग, खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो बिट सेट का पेपर होता है वो बिल्कुल NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन भी देते हैं, मतलब जो छोटे में बॉक्स में रहा या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन रहा, कंसेप्चुअल लाइन रहा, वहां से उठा के क्वेश्चन बना देते हैं। तो अगर NCERT में भी, अगर NCERT बुक को भी तुम अगर स्कैन कर लो इन 10 दिनों में, पढ़ने मत बैठ जाना, पढ़ नहीं पाओगे, इतना बड़ा बुक है कि स्कैन करना है, पेज उल्टाना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बॉक्स पढ़ लिया, ये स्टार मार्क ये बोल्ड में लिखा हुआ है, स्कैनिंग करना है अपने को, ठीक है। दूसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला रिवीजन। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एक मिनट होता है एक सवाल के लिए, तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपने को करने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए। तो इसीलिए 10 दिनों में तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला बुक तो तुम्हारे पास होगा, सबके पास ही होगा, तो उन फॉर्मूलाज को हर 2 दिन पे एक बार रिवाइज किया करो ताकि जब कोई सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आए तो उस टाइम सोचना नहीं पड़े यार या क्या क्या फॉर्मूला था, लेमडा नीचे था कि लेमडा, ऐसा नहीं, वो फॉर्मूला डायरेक्टली याद आ जाए। तो फॉर्मूला रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है टेस्ट। सर टेस्ट कहां से दे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यार देखो, मैं तो सिंपली बताऊंगा कि टेस्ट देना अभी 10 दिनों में कम से कम तुम्हें 4-5 टेस्ट देना चाहिए, हर 2 दिन में एक टेस्ट देना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट देने के बाद ही पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या मैं मैथ पहले अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे मार्क्स कम जा रहे हैं तो मुझे केमिस्ट्री करना चाहिए, तो वो जो सारी चीजें होता है वो एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। तो उसके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम 3 घंटों में कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तुम कितने अच्छे से क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो इसलिए टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुमने किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो ठीक है, वहां दे दो, लेकिन अगर तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कहीं पर नहीं किया है तो तुम अभी भी ATP स्टार का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ऐप या वेबसाइट में लॉगिन करोगे, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जाओगे तो तुम 2020 यहां पर सिलेक्ट करो ईयर। अब तुम देखना, ये जो अपना टेस्ट है 11 टेस्ट है, 33 वीडियो सॉल्यूशन, हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मौजूद है। तो अभी के टाइम पे तुम बिट सेट का टेस्ट में इनरोल कर सकते हो अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज तुमने नहीं ली है, ताकि खुद जज कर पाओ कि किस तरीके से अपने को पेपर को अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम लग रहा है, कितना तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उस हिसाब से तुम थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी में चेंजेस कर सको। इसलिए टेस्ट कम से कम हर 2-3 पे एक टेस्ट देना तो चाहिए ही चाहिए। तो ये तुम टेस्ट सीरीज ले सकते हो ATP स्टार के ऐप से, बिट सेट का, ठीक है। उसके अलावा
और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? तो और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई किस टॉपिक से स्टार्ट करें। कई लोग का मैथ स्ट्रांग होता है, कई लोग का फिजिक्स स्ट्रांग होता है, कई लोग का केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, और कई लोगों का तीनों ही ठीक ठाक होता है। तो मैं तो सिंपली, मैं अगर मैं पर्सनल व्यू बताऊं तो मैं तो सिंपली बताऊंगा कि केमिस्ट्री और इंग्लिश एंड रीजनिंग से स्टार्ट करो। क्यों सर? क्योंकि केमिस्ट्री के जो ज्यादातर सवाल होते हैं वो कैलकुलेटिव नहीं होते, मतलब उनका या तो तुम सिंगल लाइन के सवाल है पढ़ोगे, या तो तुम्हें आंसर आएगा या तुम्हें आंसर नहीं आएगा, तो उनमें टाइम वेस्ट नहीं होता। 20 सेकंड लगा सवाल पढ़ने में, 10 सेकंड लगा सोचने में, आएगा आएगा नहीं आएगा, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। सेम विथ इंग्लिश एंड रीजनिंग, स्ट्राइक किया तो बनेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इनको अगर तुम पहले अटेम्प्ट करते हो तो फर्स्ट आवर में तो बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो ऑब्वियसली अगर पहले घंटे में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है तो अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वही कॉन्फिडेंस तुम्हें केमिस्ट्री का जो कॉन्फिडेंस है वो फिजिक्स और मैथ में यूज करके तुम उनका पेपर कर सकते हो। गलती से भी कभी मैथ या फिर फिजिक्स स्टार्ट मत करना। वेल, अगर मैं मानता हूं कि तुम्हारा मैथ हो सकता है काफी स्ट्रांग हो, अगर बहुत स्ट्रांग है, टेस्ट तुमने दिया है, तो तुम ठीक है, अपनी स्टडी में चेंज मत करो। लेकिन अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो बेटर है कि केमिस्ट्री और इंग्लिश से ही स्टार्ट करना। मैथ कैलकुलेटिव हो सकता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली वो फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा, वो कुछ ना कुछ तो पूछेगा, क्वाड्रेटिक ही पूछेगा तो रूट्स निकालने पूछेगा, जो भी पूछेगा, तो तुम्हें थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा। तो कई बच्चों का होता है कि पेन चलाने में टाइम लगता है, बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं, तो इसीलिए केमिस्ट्री और इंग्लिश में अपने को पेन नहीं चलाना होता है। जो इसके 60-70% क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि हाँ ये ऑर्डर बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तो तुम डायरेक्टली टिक लगा सकते हो। तो इसीलिए मैं रिकमेंड यही करूंगा कि स्टार्ट द पेपर विथ केमिस्ट्री इंग्लिश एंड रीजनिंग, ये से स्टार्ट किया करो। उसके बाद फिर या तो फिजिक्स पढ़ो या मैथ करो। मैथ वैसे लास्ट ही में करना सही रहता है, फिजिक्स में भी कई ऐसे सवाल होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते, जो सिंपली थ्योरेटिकल सवाल होते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस को तुम देख कर ही बना सकते हो। खास करके फिजिक्स में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आते हैं इसमें, तो इसीलिए केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ, दिस मस्ट बी योर सिक्वेंस। अगर किसी का बाय द वे नहीं सर मैं तो सिक्वेंस अपनाता हूँ फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री और मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, तो डोंट चेंज योर सिक्वेंस, तो तुम अपने सिक्वेंस को चेंज मत करो। पर्सनली मैं बता रहा हूं कि अगर किसी का मार्क्स स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा तो ये एक बार सिक्वेंस करके देखो, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि हाँ सही में तुम्हारे लिए सिक्वेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो कई बार होता है कि जो सिक्वेंस होता है वो अलग अलग बच्चों से वेरी करता है, तो पर्सनली मेरा ये व्यू है, बाकी तुम्हारा जो सही तुम्हें बेटर लगे वो तुम वही करना, ठीक है। तुम मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें इसमें चलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस करने के लिए स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस अपने को करना है, मतलब टाइम के साथ, टाइम बाउंडेशन के साथ। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर तुम स्कैनिंग कर रहे हो, तुम्हें एक सवाल दिखा कि हाँ यार इस सवाल में कुछ पेन चलाना है, टाइमर ऑन किया, देखा कि उस सवाल को हम कितने सेकंड में कर पा रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लग रहा, 5 मिनट तो नहीं लग जा रहा, तो वो इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग के साथ अपने को सवाल, जो भी मान लो इन 10 दिनों में तुम 100 सवाल ही अटेम्प्ट करते हो, 100 सवाल ही प्रैक्टिस करते हो इन 10 दिनों में, तो उन 100 सवालों को तुम्हें टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है। इससे आइडिया लगेगा कि नहीं मेरे को थोड़ा और स्पीड बनाना है, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस होना चाहिए। आई बात समझ में? दूसरा है नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि बिट सेट की कहीं ना कहीं पैटर्न नीट से मैच करती है, तो इसीलिए तुम नीट के प्रीवियस ईयर को भी स्कैन कर सकते हो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जो फैक्चुअल होंगे नीट में, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों में बहुत आसपास का मतलब वो कह सकते हो सिमिलैरिटी है, तो नीट के प्रीवियस ईयर को भी स्कैन तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई बात समझ में? तो ये 5-7 पॉइंट्स है जिनको तुम ध्यान में रखना, और अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो एटीपी स्टार का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और इन 10 दिनों में कोशिश यही करो कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ने का, जितना तुम्हें आता है उसको ही प्रॉपर रिवाइज करो। PYQ देखो, NCERT का स्कैनिंग करो, नीट के प्रीवियस ईयर का स्कैनिंग करो, और क्या कर सकते हो, टेस्ट का एनालिसिस करो, हर 2 दिन में फॉर्मूला का रिवीजन करो, इन चीज़ों से तुम इजीली, और बेटर यही रहेगा, बाकी तुम्हें जो सही लगे वैसे करना। आई बात समझ में? तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।